हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पांचवें पेपर के संबंध में, जिसका नाम है सामाजिक अध्ययन। और एकदम सटीक उत्तर बताऊंगा मैं आपको। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप टेट और सीटेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1784 में। अगला है, तुजके बाबरी की भाषा क्या थी? तो ये थी तुर्की। और तुजके बाबरी जो है बाबर ने लिखी थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, अकबर के सबसे प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे? ये थे तानसेन। अगला है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था अकबर ने। अगला है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद। और मैंने वीडियो बनाए थे इतिहास और ज्योग्राफी के, तो आई थिंक कुछ प्रश्न आए हैं, जिसने देखा होगा तो उन्हें पता होगा। अगला है, नगदी फसल है गन्ना है। अगला है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। कोई कोई लोग महाराष्ट्र लगा के आए हैं, राजस्थान लगा के आए हैं। अगला है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं तो उपयुक्त सभी लोहा तांबा और सोना जो है वो धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला है, संचार का साधन नहीं है तो हेलीकॉप्टर जो है वो संचार का साधन नहीं है, ये तो यातायात का साधन है। अगला है, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को, ठीक है। लोकसभा में 2 सदस्यों को किया जाता है। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति, सभी को पता होगा। अगला है, भारत में शासन का प्रमुख होता है? ये होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो 15 ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। अब हम लोग करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा। कब हुआ था? 1527 में। अगला है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये हुआ था रायगढ़ में 1674 में, पंडित गंगा भट्ट ने किया था। अगला है, 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई? तो ये हुई थी बहादुर शाह जफर। अगला है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए, भारत के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए, ये तो आपका पहला कारण हो जाता है। दूसरा कारण आपका था कि जो दोनों थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, वो भारत में अपनी कॉलोनियाँ स्थापित करना चाहते थे, यानी भारत को अपना उपनिवेश बनाने के लिए ये आपस में लड़ रहे थे। अगला है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है, स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम लिखिए? तो एक तो रेल हो गई, दूसरी बस। अगला है, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो होती है आपकी सौर ऊर्जा। अगला है, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं दो प्रकार, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ये है अफ्रीका में। व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना कहलाता है निर्यात। समवर्ती सूची के विषय पर कौन सी सरकार कानून बना सकती है? राज्य व केंद्र सरकारें दोनों बना सकती हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और
इसके दो तिहाई सॉरी एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो ये ग्रहण करते हैं 2 वर्षों के बाद। अगला है भारत भारतीय संसद किससे मिलकर बनी हुई है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई थी 1951 में। तो हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर 30 में से आप 28 सही करके आए हैं तो जो है काफ़ी अच्छा है। 30 में से 30 भी सही होंगे एक आध प्रश्न छोड़ के। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।